सो हे हाय हेलो व्हाट्सअप कसकाई केम छो आई एम प्रियंक देसाई एन आर्टिस्टिक इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर स्प्रेडिंग स्पार्कलिंग स्टोरीज थ्रू स्टेज सोशल मीडिया सिनेमा एंड स्प्रेडिंग स्माइल एवरीवेयर ऑप्टिमिस्टिकली। सो आज मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ बातें की जाए, तो इसके लिए ये सेक्शन है किससे क्वारंटाइन के। और मैं ये सोच रहा था कि किस चीज़ पे से शुरुआत की जाए, तो तभी कल मोदी सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया कि लोकल के वोकल बने, मीन्स सपोर्ट द लोकल। तो इसी के साथ मुझे एक कहानी याद आई, वो कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बंदे ने पाप किए थे और पाप भी उतने ही किए थे जितने उसने पुण्य किए थे, यानी दोनों का जो माप था वो समान था, 50 पाप तो 50 पुण्य। तो वह जब स्वर्ग में गया, जब वो द्वार पे खड़ा था, तब यमराज ने उसे कहा कि तुम्हारे तो पाप और पुण्य दोनों समान हैं, तो तुम एक महीने के लिए स्वर्ग में रहोगे और एक महीने के लिए नरक में, फिर तुम खुद ही ये तय कर लेना कि तुम्हें स्वर्ग में रहना है या तुम्हें नरक में रहना है। उसे लगा कि चलो ठीक है, तो इस बहाने में नरक भी देख लूँगा। तो उसे पूछा कि पहले तुम्हें कहाँ रहना है, तो उसने कहा कि मुझे सबसे पहले स्वर्ग में रहना है, क्योंकि बचपन से हम स्वर्ग की कहानियाँ सुनते आए हैं, तो मुझे सबसे पहले स्वर्ग में रहना है। वो जब स्वर्ग में गया, तब उसने स्वर्ग में जाके देखा तो वहाँ पे नदियाँ थी, हर कोई एकदम अच्छे कपड़े पहनकर बैठा था, वहाँ पे फूल थे, फल थे, खुशबू थी, और वो माहौल ऐसा था जैसा हमने किताबों में देखा है, बिल्कुल वैसा या उससे भी अच्छा था। और वो माहौल में इतना खुश हुआ, ऐसे घुल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि एक महीना कहाँ बीत गया। और एक महीने के बाद यमराज का यमदूत आया और उसने कहा कि अब तुम्हें एक महीने के लिए नरक में रहना है। फिर वो नरक में गया और नरक में जाके देखा तो वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें थी, सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे सब लोग पतले थे, सिकुड़े हुए, जबकि स्वर्ग में वो लोग हृष्ट पुष्ट थे, राजा की तरह जीते थे। तो उसने ये सोचा कि ये दोनों स्वर्ग और नर्क में सारी चीज़ें समान हैं, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो स्वर्ग और नर्क अलग है, जुदा है। बहुत सोचने के बाद उसे एक चीज़ पता चली कि स्वर्ग और नर्क में जो लोग थे, वो लोगों में एक खामी थी, और वो खामी ये थी कि उनके जो हाथ है, वो हाथ में यहाँ पे एक स्क्रू था, तो वो हाथ मुड़ नहीं सकता था। वो स्वर्ग में भी सेम था, नरक में भी समान था। तो वो जो खाना है वो हम खुद नहीं खा सकते थे, तो स्वर्ग में वो लोग खुद नहीं खा के दूसरों को खिलाते थे, जबकि नरक में वो लोग खुद खाने की कोशिश करते थे और खा नहीं सकते थे। और इसी वजह से स्वर्ग में वो सारी चीज़ें होने के बावजूद सब लोग हृष्ट पुष्ट थे, नरक में वही चीज़ें होने के बावजूद वो लोग सूखे कंगाल थे। ये किस्से को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि हम भी यहीं पे हैं, और अगर हम इस चीज़ को पूरी तरह से मन में ले लें तो शायद यहीं पे भी स्वर्ग हो सकता है, क्योंकि वास्तव में स्वर्ग वहीं पर है जहाँ पर हम खुद की ना सोच के दूसरों की सोचें, वहीं पे उसी जगह पे तो स्वर्ग है। और मोदी सरकार ने कहा है कि लोकल का वोकल बने, यानी हमारे जो आसपास के लोग हैं उसको अगर हम मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो उसके किसी और आसपास के लोगों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उससे जो एक वातावरण होगा उसकी वजह से स्वर्ग कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जो दिन हम जी रहे हैं, जो जगह पे हम जी रहे हैं, वही जगह स्वर्ग लायक हो जाएगी। तो ये मेरा पॉइंट था। और वो कहावत है कि आपको अगर किसी की मदद करनी है तो मदद कर दीजिए, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, या आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आ रही, आप पड़ोसी का भी अच्छा नहीं कर सकते, तो अगर मदद करनी है तो घर से करो, मम्मी की हो सकती है, पापा की हो सकती है, या अगर आप मम्मी पापा हो तो बच्चों की हो सकती है। मदद करनी ज़रूरी है, तभी माहौल खुशनुमा बनेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे लिए भी कोई है,
और वो कहावत इसीलिए सच होती है कि चैरिटी कम्स फ्रॉम होम। सो अगर आपको ये माहौल बनाना है जो माहौल में आपको रहना पसंद है, तो वो आपको घर से ही शुरू करनी पड़ेगी। और अभी जो क्वारंटाइन का पीरियड चल रहा है, अगर आपने देखा होगा कि आपका घर का माहौल तभी अच्छा है जब आप घर का काम बांट के कर रहे हैं, तो ही हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है और हर कोई अच्छे से ये क्वारंटाइन का वक्त बिता रहा है। तो इसी के साथ ये मेरा पहला था किस्सा क्वारंटाइन का। हर रोज़ कोई एक नए किस्से के साथ, नई बातों के साथ हम आएंगे। मैं प्रियंक देसाई आऊँगा। आपको ये बात अगर अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और किस्से सुनाने हैं तो DM कीजिए, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो भी मुझे DM कीजिए। DM यानी पर्सनल मैसेज, या नीचे कमेंट कीजिए। उसी के साथ मैं आज विदाई लेता हूँ। तो इस बात पे आप स्टार्ट विचारिंग एंड आप स्टे मुस्कुराते। आई विल सी यू सून। मैं जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय।